नमस्कार दोस्तों राजस्थान के अंदर विगत जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है जिसके अंदर आर एस है वीडियो एग्ज़ाम है पटवारी एग्जाम है एस आई एग्जाम है व्याख्याता भर्ती है रीट एग्जाम है इन सभी भर्तियों के अंदर करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए वो आज इस क्लास के अंदर संपूर्ण के संपूर्ण इन भर्तियों में आए हुए करंट के अफेयर्स के पर्सन है वो यहाँ पर एक ही वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे लगभग 200 महत्वपूर्ण पर्सन रहेंगे जो आगे जो एग्जाम होने वाली है उनके अंदर इनमें से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकता है दोस्तों इसलिए जो साथी इस क्लास पर आ गए हैं समय निकालिए और इस क्लास को जरूर अटेंड करें दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें चलते हैं सबसे पहले हम देखते हैं मित्रों वो क्वेश्चन देखते हैं जो ग्राम विकास अधिकारी दो मतलब वीडियो एग्जाम जो दो के अंदर हुआ उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन दोस्तों पहला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र व राज्य के संबंध में है कितना कितना प्रतिशत है केंद्र और राज्य के मध्य दोस्तों केंद्र का है साठ और राज्य का है चालीस केंद्र का साठ राज्य का चालीस ऑप्शन नंबर तीन यहां पे सही रहेगा क्वेश्चन नंबर दो है अभी जो आगे चलेंगे वो क्वेश्चन लग है लगभग अठारह क्वेश्चन जो वीडियो एग्जाम में अलग अलग प्रकार से आए इनके अंदर आपको राजस्थान भारत और विश्व हर प्रकार का है जो करंट अफेयर्स मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचालित जोतु की संख्या कितनी है कुल पुरुष प्रचालित जोतु की संख्या है अड़सठ लाख ऑप्शन तीन यहां पे सही रहेगा क्वेश्चन नंबर चार है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है कहां पर स्थापित किया गया है बालोजी जयपुर के अंदर यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जामू के अंदर दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर चार है 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति एक हजार पुरुषों पर कितनी महिलाएं बढ़ा है दोस्तों प्रति एक हजार पुरुषों में 2001 की तुलना में 2011 में 24 बढ़ा है दो नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर पांच है भारत का कौन सा स्थल जुलाई दो में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया किसको शामिल किया गया था रामप्पा मंदिर को तीन नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर छह देखिए आपका है राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कर्षक कल्याण कोष का गठन किया गया कर्षक कोष कल्याण का गठन कब किया गया 16 दिसंबर 2019 को ऑप्शन तीन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर सात है राज्य बजट भाषण 2021-22 में डिम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग की स्थापना कहां करने की घोषणा की गई है कहां पर जयपुर के अंदर ऑप्शन दो आपका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर आठ है टोक्यो पेरालंपिक्स 2021 में अवनी लखेरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों किसमें जीता था शूटिंग के अंदर जीता था चार नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता है दिसंबर 2020 की बात कर रहे हैं और दिसंबर 2021 की यह रही दिसंबर 2021 अब अगर करंट में बने तो यह क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लें अब यहां पे आपको दिसंबर 2020 की बताऊं तो वो रहेगी इक्कीस मेगावाट ऑप्शन चार आपका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर ग्यारह है जल संरक्षण के लिए वर्ष दो का वाटर इक्कीस ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है किसको दिया गया था मित्रों ये? ये दिया गया था अजिताभ शर्मा को तीन नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर बारह है राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला है पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने चौदह क्षेत्रों के अंदर है मित्रों कितने जिलों में पहला? चौदह जिलों में ऑप्शन एक आपका सही रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तेरह में चलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक का 2030 का चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर चौदह है टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का अड़तालीसवां स्थान था एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर पंद्रह है निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है प्रथम डेजर्ट पार्क है जो जयपुर का है वो है किशन बाग ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन नंबर सोलह है हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के भंडार पाए जा गए हैं कहां पर पाए गए हैं हाल ही में राजस्थान के अंदर यूरेनियम के भंडार मित्रों रोहिल सिक्कर के अंदर रोहिल गांव सिक्कर में चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर सत्रह देखिए काजिंद इक्कीस काजिंद इक्कीस नामक संयुक्त तो प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के द्वारा किया गया किन किन के द्वारा काजिंद काज यानी काजाकिस्तान आगे देखिए इंद यानी हिंद यानी भारत भारत और कजाकिस्तान के मध्य नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी कहां स्थापित किया जा रहा है कहां पर जयपुर के अंदर ऑप्शन चार सही रहेगा तो ये थे ग्राम विकास वीडियो एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन आगे हम चलें तो आते हैं पटवारी भर्ती में आए हुए दोस्तों लगभग पटवारी भर्ती के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए वो पैतालीस के लगभग क्वेश्चन रहेंगे देखिए राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई कब हुई थी अप्रैल 2006 के अंदर तीन नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर दो है राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमश है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है राजस्थान के अंदर कितने अनुसूचित जाति के लिए तो है चौतीस और अनुसूचित जनजाति के लिए है पच्चीस तो ऑप्शन देखिए आपका चौतीस पच्चीस दो नंबर ऑप्शन है जो सही रहेगा क्वेश्चन नंबर तीन देखिए सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया 2021 में पद्मश्री सम्मान समान से राजस्थान में किसे अर्जुन सिंह शेखावत लाका खान श्याम सुंदर पालीवाल तीनों को इन सभी को एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा नंबर है जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया जनवरी 2021 के अंदर किसको जीके जी के व्यास को ऑप्शन दो सही रहेगा क्वेश्चन नंबर पांच है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण था ये चौदहवा संस्करण था ये ऑप्शन दो सही रहेगा क्वेश्चन नंबर छह नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया ऑप्शन चार सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए दस वर्षों के लिए बढ़ाया गया है एंग्लो इंडियन जो आरक्षण है उसको खत्म करके दोस्तों एक संशोधन अधिनियम दो के द्वारा एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर आठ है 21 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के नौ नए जजों ने शपथ ली अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजू की संख्या बतानी है आपको महिला जजू की अब संख्या वहां पर कितनी है मित्रों चार है ऑप्शन दो देखिए चार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नौ है एक सितंबर 2021 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था श्री ओम बिड़ला किया कि पर, किया ने, किया ने किया था चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर दस है दो अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत एवं अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था किसने किया था आईएनएस एन एस तबारनी ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 है सितंबर 2021 को एस बी आई ने एस बी आई ने पर तेरतावा ए टी एम खोला है किस पर तेरतावा डल झील जो श्रीलंगन श्रीनगर में डल झील पर तेरतावा ए टी एम है जो ओपन किया है एस बी आई ने आगे चलिए क्वेश्चन नंबर बारह है उज्ज्वला टू पॉइंट जीरो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को दस अगस्त दो हजार इक्कीस को प्रारंभ किया गया कहाँ से प्रारंभ किया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से महोबा यूपी से तीन नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर तेरह है सात जुलाई 2021 को निम्न को से किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली किसने ली मनसुख मांडविया ने ऑप्शन दो है जो आपका यहां पे सही रहेगा क्वेश्चन नंबर चौदह है केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उनके परिवर्तन की तारीखों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है कौन सा सही नहीं है मिशन देखिए समर्थ योजना सही है चौदह मई दो हजार बीस सही है आत्मनिर्भर भारत अभियान तेरह मई दो हजार बीस सही है मिशन कर्मयोगी यह गलत है आपका तीन नंबर ऑप्शन सही रहेगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक जून दो हजार बीस ये भी सही है आगे चलिए पंद्रह नंबर है किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेडर के रूप में नियुक्त किया है किस राज्य ने पंजाब ने चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर सोलह है सड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित इक्यानवे दादा साहेब फालके पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको किया गया है रजनीकांत को ऑप्शन चार सही रहेगा क्वेश्चन नंबर सत्रह है राजस्थान के कृष्णा नागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कृष्णा नागर की बात हो रही है वह जयपुर जिले से संबंधित है उन्होंने टोंक्यो से में स्वर्ण पदक जीता उन्होंने पेराबेडन पुरुष एकल एस एस थ्री प्रतियोगिता में पदक जीता उन्होंने गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला यहां पहला दूसरा और चौथा सही है तीसरा गलत है तो तीन नंबर ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा एक दो चार नेक्स्ट है राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है पटवारी एग्जाम 23 अक्टूबर 2021 को इक्कीस को का क्वेश्चन है सही आंसर रहेगा देवेंद्र भूषण गुप्ता नेक्स्ट में चलते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 बी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित किया गया कब एक संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा ऑप्शन तीन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर बीस है हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्यागान एफ पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया है शिक्षा मंत्रालय ने ऑप्शन तीन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर है सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण की भारत सीरीज बीएस अधिसूचित किए बीएस आधार पर उपलब्ध होगी देखिए प्राइवेट क्षेत्र की वह कंपनियां जिनमें चार या अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय हैं के कर्मचारियों को रक्षा कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों को तीनों को यह सभी दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू किया गया ऐप जो भारतीयों को कैटे साझा द्वारा निवेश रहित अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने की सुविधा देता है कौन सा ऐप है ये सोपसी है मित्रों सोपसी ऐप तीन नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर तेबीस है एक करोड़ फास्टैग जारी करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का प्रथम बैंक कौन सा है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड है दोस्तों ये ऑप्शन एक सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है मित्रों किसको इकबाल सिंह लालापुरा को चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद द्वारा पास किया गया आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम दो जो केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों को प्रतिबिंबित करने का अधिकार देता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी किनको ले सभी हड़ताल और तालाबंदी तीनों को दोस्तों यह सभी दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर छब्बीस है बारह वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का प्रथम कोविड टीका कोविड नाइनटीन टीका कौन सा है मित्रों कौन सा है जाकोव डी ए चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन ने है नंबर भारतीय संविधान के अनुच्छेद से अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया कब उन संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर अट्ठाइस है निर्मे सिख किस अभिनेत्री ने 2019 के लिए श्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है किसने जीता है कगना रानोत ने ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन नंबर उन्तीस है में से कौन सा या कौन सी डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सेवाएं हैं दोस्तों मोबाइल आधारित उपंग सेवाएं उमंग सेवाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजी लॉकर ये सभी है चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर तीस है आरबीआई के निर्देशानुसार एक अक्टूबर को एक महीने में दस घंटे से अधिक नगद की अनुपलब्धता के लिए बैंक बे, बैंकों पर प्रतिदिन एटीएम दंड लगाया जाएगा कितना दस हजार रुपये ऑप्शन दो सही रहेगा क्वेश्चन नंबर इकतीस है निम्न में से कौन भारत का कोविड उन्नीस टीका पाने वाला प्रथम देश है कौन सा कोविड उन्नीस टीका पाने वाला प्रथम देश है मालद्वीप तीन नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर बत्तीस है किन देशों के रेलवे के संयुक्त प्रयासों से बाल हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ी फ्रे ट्रेन नियमित रूप से फिर से शुरू की गई है किन के मध्य भारत व बांग्लादेश के मध्य तीन नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर तैतीस है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ऑप्शन दो सही रहेगा क्वेश्चन नंबर चौतीस है बुद्धेव गुआ एक प्रख्यात थे बुद्धदेव गोवा एक प्रख्यात लेखक थे जिनका हाल ही में क्या हुआ है देवसान हुआ है ऑप्शन तीन सही रहेगा क्वेश्चन पैंतीस है मरियपन थंगवेलु और शरद कुमार जिन्होंने टोंकियो पेरालंपिक्स में पदक जीते थे किस खेल से संबंधित थे ये ये थे ऊंची कूद हाई जंप से संबंधित ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन नंबर पे छत्तीस है राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हुआ है किस में हुआ है बाडमेर के अंदर तीन नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर सैतीस है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की हजार रूप से यानी कि वर्चुअली अध्यक्षता की, की। यह सम्मेलन वार्षिक का, कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था कौन सा तेरवा संस्करण था ऑप्शन दो सही रहेगा क्वेश्चन नंबर अड़तीस है राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है किनका हुआ मित्रों देखिए एस के सिंह श्रीमती परभा राव निर्मल चंद जैन दरबारा सिंह चारों का कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है तो तीन नंबर पर ऑप्शन एक दो तीन चार सही रहेगा क्वेश्चन नंबर उनचालीस है फिल्म फेयर पुरस्कार दो में किसने सहायक ये सहायक नहीं है सहायक है ये मित्रों सहायक भूमिका में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता किसने जीता था फारूक फारूक जफर ने एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर चालीस चलिए मोदी सरकार में निम्न में से कौन वर्तमान में केंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्री है कौन है अनुराग सिंह ठाकुर एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर इकतालीस है वह सर्वप्रथम आई, आई, आई एस अधिकारी कौन है जिसने पैरालंपिक पदक जीता है कौन है स्वास यथिराज स्वास यथिराज है ऑप्शन दो सही रहेगा क्वेश्चन नंबर बयालीस भारत की प्रथम हवाई टैक्सी सेवाएं कहां से शुरू की गई है हवाई टैक्सी सेवाएं कहां से चंडीगढ़ से शुरू की गई है दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर तेलीस है भारत का प्रथम देशी विकसित डी एन ए प्लाज्मिक टीका है डीएनए एन प्लाज्मिक टीका कौन सा है मित्रों जाइकोव डी ऑप्शन एक आपका सही यहां पे रहेगा क्वेश्चन नंबर चवालीस है बुलेट्स ओवर बॉम्बे बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड हिंदी फिल्म गैंगेस्टर शीर्षक वाली नई पुस्तक नहीं। ने उनमें से किसने लिखी है यह लिखी है उदय बाटिया ने उदय बाटिया ने यह पुस्तक लिखी है चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर पैंतालीस भारत का प्रथम समुद्री गाय समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है कौन सा राज्य है तमिलनाडु राज्य ऑप्शन तीन यहां पे सही आपका रहेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आएगा आगे आर एस प्रीस से रिलेटेड क्वेश्चन जो 2021 के अंदर आर एस हुई थी अक्टूबर के अंदर उसमें कौन कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो पूछे गए पहला क्वेश्चन देखिए रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा दो हजार में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पलीबडी ये गलत है चार नंबर ऑप्शन है सत्य बाकी तीनों सत्य नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो है राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापन निम्नांकित में से किस वर्ष की गई थी किस वर्ष की गई थी 2009 के अंदर चार नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर तीन है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा किन किन जिलों से गुजरेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अजमेर चित्तौड़गढ़ और बीकानेर अजमेर चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से यह गुजरेगा दोस्तों दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर चार की ओर चलते हैं कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 के अंदर ऑप्शन दो सही रहेगा क्वेश्चन नंबर पांच है राजस्थान बजट दो हजार के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी जिले के अंदर फिनटेक जो डिजिटल विश्वविद्यालय उसकी स्थापना है जो की जाएगी दोस्तों जयपुर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राज्य राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है राजस्थान सरकार का इसके अंदर हिस्सा कितना है मित्रों चालीस प्रतिशत तीन नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर सात है राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है किस विभाग को नोडल विभाग आयोजना विभाग को ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन नंबर आठ है निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण तीन नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर नौ है वर्ल्ड में भारत का क्या स्थान है भारत का कौन सा स्थान है इसके अंदर 149 एक एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर दस है बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है क्या होता है बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य हास को घटाने पर यह होगा तीन नंबर ऑप्शन नेक्स्ट है अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020 हजार में स्थिर कीमतों पर दो हजार -20 राजस्थान की प्रति व्यक्ति आई कितनी है बेहतर हजार दो सौ संतानवे रुपए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार इज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा तिरसठवां स्थान रहा भारत का तीन नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर तेरह है तेरह नंबर क्वेश्चन राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराजगार अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है वो आपको बताना है इस योजना का नारा अपनी योजना अपना विकास ये पहला ही गलत है आपका यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन है जो यहाँ पे सही यहाँ पे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौदह है एक अप्रैल दो को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक अप्रैल दो को भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक अप्रैल 2020 को भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई अटल भूत जल स्कीम में सहायक उपलब्ध कराने सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है मित्रों विश्व बैंक है चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर पंद्रह है औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता विनिर्माण सम्मिलित है गैस एवं जलारपुर सम्मिलित नहीं है दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर सोलह है राजस्थान की परवन बहुद्देश्य सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी किन किन को झालावाड़ बारा और कोटा जिले को ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन नंबर सत्रह है निम्न से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया कौन से बजट में मिलाया गया था ये 2017-18 के बजट में नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर अठारह है राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है क्या है जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है ऑप्शन एक सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर कर्मश कितनी रही कार्य सहभागिता दर की बात करें तो भारत की बात करें तो उनचालीस दशमलव आठ प्रतिशत और राजस्थान की बात करें तो तैयलीस दशमलव छह प्रतिशत तैयलीस दशमलव छह प्रतिशत तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन एक आपका सही रहेगा क्वेश्चन बीस है लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई कब की गई थी 12 सितंबर 2019 को ऑप्शन चार सही रहेगा क्वेश्चन नंबर इक्कीस है निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है मरु त्रिकोण का इनमें से कौन सा जिला भाग नहीं है जोधपुर है बीकानेर है जैसलमेर है बाड़मेर नहीं है तीन नंबर ऑप्शन सही रहेगा नेक्स्ट है दो हजार के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल वे का प्रस्तावित योजना वे का प्रतिशत है कितना है चौदह दशमलव तीन दो प्रतिशत एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि कितनी है तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है जो आपके गलत दिए गए हैं मित्रों एक लाख रुपए तक होगी नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी कब हुई थी चा अट्ठारह दिसंबर दो हजार उन्नीस को ऑप्शन चार सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम न्यूनतम है बहुत घना जंगल है उसका क्षेत्रफल न्यूनतम है किसमें जयपुर जैसलमेर अलवर जोधपुर जोधपुर के अंदर ऑप्शन चार सही रहेगा क्वेश्चन छब्बीस है ट्राइसोमी इक्कीस को में से किस नाम से भी जाना जाता है डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है ऑप्शन दो सही रहेगा क्वेश्चन नंबर सत्ताईस है निम्नांकित में से कौन मेरा लीडरशिप इन कॉम्बेट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक के लेखक है कौन है मित्रों जेप्री सलोसर है जेप्री सलोसर ऑप्शन तीन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस है कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमी डिजिटल एकेडमी यहाँ पे अकादमी है सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया इस ऐप का नाम क्या है मित्रों इस ऐप का नाम है माय बुक लो ऐप माय बुक लो ऐप ऑप्शन तीन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 है 93 पेस्ट है ये 93 पेस्ट क्या है मित्रों ये चीन का अंतरिक्षयान है ऑप्शन 2 सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 है तेवीस मार्च 2021 को हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट यह जारी की गई थी ए तथा डब्ल्यू दोनों के द्वारा साझा रूप से ऑप्शन चार सही रहेगा क्वेश्चन नंबर इकतीस है इटली ने किस देश को हराकर किस देश को हराकर यूएफए यूरो 2020 का फाइनल जीता था दोस्तों इंग्लैंड को हराकर दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर बत्तीस है निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता रहे इनमें से सिल्वर पदक विजेता कौन कौन रहे वो आपको बताना है तो देखिए यहां पर सिल्वर पदक विजेता की अगर हम बात करें तो रवि कुमार दैया रहे और मीना चानू कूट रहे ऑप्शन ए और डी है यहां पे तो दो नंबर ए और डी सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए यहां पे यहां पे आपको करना है मित्रों मिलान तो सबसे पहले बाविना पटेल किससे रिलेटेड है बाविना पटेल बाविना पटेल है टेबल टेनिस से निषाद कुमार निषाद कुमार किससे रिलेटेड है यह है ऊंची कूद से हरिंद हरविंदर सिंह यह है तिरंदाजी से और देविंदर जाजरिया यह है बाला फेंक से तीन चार एक दो ऑप्शन चार सही रहेगा क्वेश्चन नंबर पैंतीस चौंतीस है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी कि संविधान संशोधन को दी 105वें संविधान संशोधन को नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया एनी अवार्ड दिया गया था सी एन आर राव को ऑप्शन दो सही रहेगा क्वेश्चन नंबर सैतीस है राजस्थान जनाधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ राजस्थान जनाधार प्राधिकरण अध्यादेश कब लागू हुआ 18 दिसंबर दो हजार उन्नीस को ऑप्शन दो सही रहेगा पे क्वेश्चन नंबर है मार्च में में भारत ने निम्नांकित किसके साथ बांग्लादेश के साथ ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन है भारत की प्रथम आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया किस गांव से प्रारंभ किया गया था इसको बालोजी गांव से चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर चालीस है निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया है किसमें किया गया है उद्योग विभाग राजस्थान सरकार एवं रिको के द्वारा तीन नंबर ऑप्शन सही रहेगा अब आएंगे हमारी कॉलेज व्याख्याता एग्जाम के क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता परीक्षा जो सितंबर में हुआ था एग्जाम उसके अंदर दोस्तों राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मर्दा प्रदन से सर्वाधिक प्रभावित है कौन सा क्षेत्र चंबल प्रदेश ऑप्शन चंबल जो नदी निकलती है उस वहां जो वो क्षेत्र लेती है वो क्षेत्र दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो है दो की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंगानुपात एक हजार से अधिक है कहां का पालिका चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल कितने अध्यादेश जारी किए गए कितने आठ दोस्तों एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर पंद्रह है पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम सामिक अध्यक्ष कौन थे कौन थे प्रोटेम अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया तीन नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर पांच है मुख्यमंत्री कार्यालय में फरवरी 2021 को यथा विद्यमान निम्नांकित में से कौन आर्थिक सलाहकार है कौन है अरविंद मायाराम। ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन नंबर छह है निम्नांकित में से क्या राजस्थान संपर्क संपर्क में सुशासन के आयाम के इस रूप में गलत चिन्हित है विश्वास पारदर्शिता ठोस सेवा प्रदान प्रणाली या शिकायत निवारण विश्वास ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन नंबर सात है जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कुल श्रमिकों सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत कर्मश निम्न है कितना है, कितना है बात करें हम भारत की तो चौबीस दशमलव आठ राजस्थान में 29.5। दशमलव पांच तो दो नंबर देखिए भारत में चौबीस चौबीस दशमलव आठ प्रतिशत और राजस्थान में उनतीस दशमलव पांच प्रतिशत नेक्स्ट आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2019-20 में करसी और संबंध क्षेत्र की वृद्धि दर क्या थी क्या थी छह दशमलव पांच प्रतिशत नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का वित्त वर्ष दो हजार में कुल निर्यात कितने रुपए का था यह देखिए इक्यावन हजार एक सौ अठहत्तर दशमलव चार एक करोड़ का ऑप्शन दो सही रहेगा क्वेश्चन नंबर दस है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी राजस्थान एस स्टेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस जिले को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है जुन जिले को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन नंबर ग्यारह है मुख्यमंत्री राजश्री योजना संबंधित है किससे समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने से ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन नंबर बारह है निम्नाकित में से कौन सा नागर समाज संगठन कोविड महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को सेवाएं समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए चर्चा में आया दोस्तों कौन सा नागा नागर समाज संगठन आया था आजीविका ब्यूरो ऑप्शन दो सही रहेगा क्वेश्चन नंबर तेरह है दो हजार इक्कीस बीस इक्कीस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में राजस्थान ने किस राज्य को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था किसको रहा था बिहार को हराया था क्वार्टर फाइनल के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राजस्थान में निम्न में से किस जिले में शहद उत्पादन के लिए किसान उत्पादक संगठन एप पीओ का शुभारंभ किया है कहां पर भरतपुर के अंदर चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर पंद्रह है नंदकिशोर आचार्य को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला किसके लिए छिलते हुए अपने को दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा इस साहित्य की रचना के लिए मिला था नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है कहां पर जयपुर के चौंप गांव में नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है कौन सा अवार्ड अवार है मित्रों गुरु वशिष्ठ अवार्ड है ऑप्शन दो सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं राजस्थान सरकार ने ओलंपिक एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों का नगद इनाम बढ़ाने का निर्णय लिया है अब ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वालों को कितनी राशि दी जाएगी तीन करोड़ रुपए दिए जाएंगे ऑप्शन एक आपका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर उन्नीस है राजस्थान से साहित्य और शिक्षा हेतु वर्ष दो में पद्मश्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया किसे दोस्तों अर्जुन सिंह शेखावत को ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन नंबर बीस है डेजर्ट नाइट एक सैन्य अभ्यास का आधार केंद्र था जोधपुर दोस्तों ऑप्शन एक सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा इस्माइल कार्यक्रम की पहल की गई किसके लिए लॉकडाउन के अवधि के दौरान विद्यार्थियों को घर से सीखने की सुविधा प्रदान करने हेतु ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन नंबर बाईस है महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया किसको प्रदान किया गया यह दिया गया अरविंद करशन को ऑप्शन दो सही रहेगा क्वेश्चन नंबर तेबीस है राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा मिला है हाल ही में किसको मिला है किस शहर को जयपुर शहर को ऑप्शन दो सही रहेगा क्वेश्चन नंबर चौबीस है भारत पाक भारत पाक के पास भारत पाक सीमा के पास गोटारू गांव में अगर नोटा पार्क विकसित किया जा रहा है यह गांव राजस्थान के किस जिले में गोटारू गांव है आपके जैसलमेर जिले में दो नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा राजस्थान सरकार की एक जिला राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद है ये एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध किस जिले से दुग्ध का संबंध है वो किस जिले से धौलपुर से एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर छब्बीस है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में दो हजार अठारह उन्नीस के अंतर्गत निम्न में लागू की गई कहां पर कोटा भीलवाड़ा व उदयपुर जिले के अंदर दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस है मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना निम्न में से संबंधित है किससे संबंधित है दोस्तों ये यह संबंधित है विधवा तलाकशुदा व परित महिलाओं को पेंशन से दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर उन्तीस है एक फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में से संबंधित है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना यह बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड है जो मेरे हिसाब से किसी को नहीं मिल रहा आजकल आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में राज्य स्तर अभियान राज्य स्त्री अभियान संवाद प्रोग्राम निम्स में से संबंधित है अस्पतालों के प्रमुख एवं सभी स्वास्थ्य अधिकारियों से ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन नंबर इकतीस है समग्र शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा कथन है जो सही नहीं है इसका उद्देश्य प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा का सार्विक करन करना है यह भारत सरकार का फ्लेक्सिप कार्यक्रम है इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को भरना है राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम नहीं है यह भारत सरकार का है तो चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर बत्तीस है केंद्र द्वारा जारी किए गए निर्भया कोष का पूरा उपयोग करने में देश में राज्य राजस्थान राज्य ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है कौन सा स्थान पहला स्थान ऑप्शन दो सही रहेगा नेक्स्ट है राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा है मित्रों मुपे कौन सा है मुपे ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन चौतीस देखिए राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के पचास हजार लोगों को चार प्रतिशत की ब्याज की दर पर कितनी राशि का ऋण प्रदान करने के लिए सुंदर सिंह भंडारी सौराजगौर योजना दो की घोषणा की है दोस्तों कितने पचास हजार रुपये ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन नंबर पैंतीस इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित महिला को कितनी राशि प्रदान की जाती है कितनी राशि छह हजार रुपए चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर छत्तीस है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर से कौन से सही है वो आपको बताने हैं दोस्तों पहला इस योजना का नवीन चरण 30 जनवरी 2021 से लागू हुआ योजना से जुड़ी सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज होगा सामान्य बीमारी के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष पचास हजार की बीमा राशि होगी और गंभीर बीमारी के लिए प्रति परिवार प्रति पाँच वर्ष पांच लाख गलत है की बीमा राशि दस लाख है तो ए बी सी तीन ही सही है यहाँ पे ऑप्शन तीन ए बी सी सही रहेगा ये थे मित्रों व्याख्याता भर्ती के क्वेश्चन अब आते एस आई एग्जाम कब हुआ था ये भी सितंबर में हुआ था देखिए एसआई एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो दोस्तों पहला क्वेश्चन है एसआई जो पेपर हुआ एसआई एग्जाम का वो मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक कितना है जीरो दशमलव आठ दो जीरो जी जीरो दशमलव आठ दो जीरो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो है आर्थिक समीक्षा दो बीस के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में से कौन से कथन है जो सत्य है वो आपको बताना पहला सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार वृद्धि दर कीमतों यानी दो हजार ग्यारह बारह पर, पर, पर वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में चार दशमलव एक एक प्रतिशत रही क्या पहला सही है नहीं है गलत है, है। दूसरा सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्त्री कीमतों दो हजार ग्यारह बारह पर क्षेत्रवार योगदान में वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में सेवाओं का योगदान बयालीस दशमलव चालीस सही है वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन दशमलव सात सात प्रतिशत रहा सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर न्यूनतम रहा यह भी गलत है यहाँ पर बी और सी ही सही है बी और सी तो तीन नंबर ऑप्शन बी व सी सही रहेगा क्वेश्चन नंबर तीन है राज्य में जीवन धारा योजना का संबंध है राज्य में जीवन धारा योजना का संबंध है सिंचाई कुओं के निर्माण से ऑप्शन दो सही रहेगा नंबर चार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी को यानी कि महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है पांच हजार रुपए एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर पांच है लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रा स्पीति का एक कारण नहीं है कौन सा कारण नहीं है मित्र तेल कीमतों में वृद्धि करों में वृद्धि घाटे की वित्त व्यवस्था उत्पादन या पूर्ति में उचावचन यहां पे नहीं है घाटे की वित्त व्यवस्था यह मुद्रा विस्फीति का एक कारण नहीं है तीन नंबर ऑप्शन सही रहेगा नेक्स्ट है भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था कब कब किया गया था एक जनवरी 2015 को नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है कौन सी नहीं है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर आठ है राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सुमेलित कीजिए तो करिए मित्रों वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का चरण द्वित जे का राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम डब्ल्यू राज्य राजमार्ग निवास कार्यक्रम एडीबी रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण योजना एनडीबी तो चार तीन दो एक ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन नंबर राज्य राजस्थान की एम एंड नीति दो का क्या उद्देश्य है क्या है प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट वेस्ट की समस्या का समाधान करना तीन नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर दस है ने से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा किसने की थी श्रीसा बांदला ने श्रीसा बांदला ने दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है कौन सी फंगस है दोस्तों मायूकर फंगस ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 संगठन जिसने यूए और कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की जो नौकरियां शिक्षा इत्यादि पर कोविड उन्नीस के प्रभाव का प्रशिक्षण करती है कौन है आई एल ओ ऑप्शन चार सही रहेगा क्वेश्चन नंबर तेरह टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने चार खिलाड़ियों ने ऑप्शन तीन सही रहेगा चार खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया क्वेश्चन नंबर चौदह देखिए भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा कौन सा शहर रहा उदयपुर शहर दोस्तों ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन पंद्रह देखिए श्री नारायण राणे को जुलाई दो में एमएसएमई मंत्रालय का कार्यभार दिया गया या एमएसएमई से तात्पर्य क्या है माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेज चार नंबर ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा क्वेश्चन नंबर सोलह है कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित है कोवैक्सीन वैक्सीन निष्क्रिय मृत सार्स कोल्ड को वन टू द्वारा ऑप्शन दो सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता करने वाला देश किसने की थी भारत ने की थी ऑप्शन दो सही रहेगा क्वेश्चन नंबर अठारह है वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता फ्रेंच ओपन पुरुष एक कल दो हजार इक्कीस का किसने जीता नोवाक जोकोविच ने तीन नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर उन्नीस है ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज प्रथम भारतीय तलवारबाज है भवानी देवी तीन नंबर ऑप्शन सही रहेगा नेक्स्ट है तीस जनवरी दो हजार इक्कीस को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया है किन स्वेस्थ्य जटिलता जोड़ा गया कोविड उन्नीस का उपचार को ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था दोस्तों यह था पांच नहीं दस प्रतिशत ऑप्शन दो सही रहेगा क्वेश्चन नंबर बाईस है भारत सरकार की पहल योजना संबंधित है किससे उपभोक्ताओं के खाते में एलपीजी का अनुदान स्थानांतरित करने से शायद ही किसी को मिल रहा होगा अभी क्वेश्चन है निम्न से निम्न में, नेक्स्ट क्वेश्चन है तेईस नंबर निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एच का सूचक नहीं है कौन सा नहीं है जीवन स्तर है शिक्षा है जीवन प्रत्याशा है पर्यावरण की स्थिति यह नहीं है चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर चौबीस है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत बालिकाएं जो राजस्थान राज्य से संबंध है और जिनका जन्म की तारीख या उसके बाद हुआ है वित्तीय सहायता के लिए पात्र है कौन सी बालिकाएं पात्र है जिनका जन्म जून 2016 जून 2016 या इससे पहले हुआ है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसानों की सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का क्या अनुपात है केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का क्या अनुपात है केंद्र का साठ राज्य का चालीस ऑप्शन तीन यहां पे देखिए साठ अनुपात चालीस सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक दस के अनुसार दस नहीं ये एक पॉइंट जीरो के अनुसार किस जिले ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं किस जिले ने झुंझुनू ने ऑप्शन एक सही ये रिपीट हुआ ना मित्र क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनगणना दो के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है मित्रों यह है आपका जालोर जिला ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस है राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई किसके लिए अवैध शराब सर, निर्माण में शामिल व्यक्तियों और समुदायों हेतु ऑप्शन एक सही रहेगा क्वेश्चन नंबर उन्तीस तियानगोंग है तियानगोंग क्या है मित्रों चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है ये दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर तीस भारत के चौबीसवें मुख्य आयुक्त सुचुनाव आयुक्त कौन बने भारत के चौबीसवें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा बने तीन नंबर ऑप्शन सही रहेगा नेक्स्ट है इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर बत्तीस है बहुचर्चित कृषि विधेयक 2020 भारतीय संसद में पेश किसने किया बहुचर्चित कृषि विधेयक 2020 भारतीय संसद में किसने पेश किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने तीन नंबर ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा तो मित्रों ये थे लगभग 200 के आसपास हमारे क्वेश्चन जो हमने देखे जो विगत सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी के अंदर जो एग्जाम हुए राजस्थान सरकार के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के उनके अंदर पूछे गए थे क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता दें वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत